दोस्तों, आज मैं आपसे किचन से रिलेटेड ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं जो आपके छोटे बड़े कामों में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी, समय भी बचाएगी और आपके पैसे भी बचाएगी। तो हमारी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स ज्यादा अच्छी लगी जरूर बताइएगा। तो हमारी पहली टिप्स एंड ट्रिक्स है चूल्हे को लेकर के, जो हम सारी गृहिणियां डरते हैं कि भाई चूल्हे पे कुछ गिरे नहीं, क्योंकि जब गिर जाता है तो मतलब एक कीड़ा होता है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा है कि कुछ भी गिर जाता है चूल्हे पे तो उसको तुरंत हाथों हाथ सफाई करनी है, वरना मेरे से देखा नहीं जाता। तो मेरे ख्याल से मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज होंगी जिनको ये वाली प्रॉब्लम होगी, तो उसका बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन लेकर के आई हूँ कि जैसे हमने तो इसमें प्लेट नहीं लगाई है, आपके पास प्लेट भी होगी, मेरे पास भी है बट मैंने लगाया नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो गैस चूल्हे पे हम कुछ रखते हैं बनाने के लिए तो वो नीचे गिर जाता है, जिससे हमारा जो नीचे का फर्श होता है वो भी खराब होता है और चूल्हा भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो खाना खाने वाली प्लेट होती है ना, आई होप सबको घर सबके घर में स्टील वाली होती होगी, तो आप उसको क्या करिएगा कि ये जो बर्नर है गैस का उसके नीचे आप इसे रख दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ये जो प्लेट है ना बड़ी हो, क्योंकि बड़ी रहेगी तो वो ज़्यादा सरफेस कवर करेगी, तो ये कहीं से भी गिरेगा तो उसी में गिरेगा, जिससे हमारा काम और हमारा टाइम दोनों की बचत होगी और खाना बनाते बनाते हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट ट्रिक्स को हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये वाला ट्रिक्स कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करिएगा, क्योंकि जब तक हम चीजों को स्प्रेड नहीं करते, जब तक हम चीजों को शेयर नहीं करते, तो तब तक उसका लाभ दूसरे लोगों को नहीं मिल पाता। तो जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी टिप टू की बारी है। तो ये है हाथों की स्मेल, जो गंदी, हम जैसे प्याज काट देते हैं तो प्याज की इतनी गंदी स्मेल होती है, इतनी बैड स्मेल होती है कि खुद को नहीं अच्छी लगती तो दूसरे को तो क्या ही अच्छी लगेगी। तो इसके लिए बहुत अच्छी सी टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपके हाथों की जो स्मेल होगी बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। तो हर घर में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल होता ही है, खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी जो बैड स्मेल होती है वो किसी को नहीं अच्छी लगती है। तो जब भी आप प्याज काटें खाना बनाने के लिए या तो सैलेड के तौर पर, तो अपने साथ एक आलू भी रखिए। आलू हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जो आलू होता है वो प्याज की बैड स्मेल को दूर भगाता है। तो आप जब भी काटे प्याज तो काटने के बाद एक आलू ले लें और उसको आधा काट लें, और काटने के बाद क्या करें कि उसे ना प्रिक कर लें। देख लीजिए, पहले हमने इसको ऐसे रब कर लिया है, और क्योंकि थोड़ा मोड़ा जूस था इसमें थोड़ा बहुत, तो वो उससे हमने रब किया, फिर भी हल्की सी स्मेल थी अभी, तो हमने क्या किया कि ये जो आलू है, आलू का जो जूस है उसकी ज़रूरत है हमें, तो हमने इसको चाकू की हेल्प से इसको अच्छे से प्रिक कर लिया। और प्रिक करने के बाद क्या करेंगे कि फिर से इसको हम हाथों पर बहुत अच्छे से रगड़ेंगे, और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये जो गंदी स्मेल है प्याज की वो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाती है, बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाती है, जिससे आप काम भी कर लेंगे और आपके हाथ से स्मेल भी नहीं आएगी। मतलब किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है कि आपने प्याज काटा है कि लहसुन काटा है। तो आप इस वाली ट्रिक को भी आजमाइएगा, और ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं तो आप इस पर विश्वास कर लीजिएगा, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, फिर मैं तो यही कहूँगी कि आप एक बार इसे यूज़ करिए और फिर इस पर विश्वास करिए और लोगों तक इस ज्ञान को, इस बात को पहुंचाइए। तो हमारा तो इतना ही मकसद है। तो देख लीजिए, हमारा दूसरा भी जो टिप्स एंड ट्रिक्स था वो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आती है बारी तीसरे टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो ये है चांदी को लेकर के कि जैसे कोई सा भी चांदी की चीज़ें होती हैं ना, उसको हम बाहर रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है कि वो बिल्कुल काली पड़ जाती है, जो दोबारा पहनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करें कि जो फॉइल आता है ना, एल्युमिनियम का जो फॉइल आता है, उसमें आप जितने भी आपके ज्वेलरी है चांदी से रिलेटेड, आप उसको इसके अंदर डाल करके और इसको अच्छे से रैप करके और उसके बाद अपने तिजोरी में रखिए। देखिए, सालों साल आपकी जो चांदी है ना बिल्कुल वाइट की वाइट रहेगी। तो गाइज, आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स थी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर जरा से भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।